4 मार्च को हाईकोर्ट ने एसआईटी से यह मांगा था कि किन परिस्थितियों में एसआईटी ने डीवीसी की रिक्वेस्ट को मानते हुए दिल्ली जाने का निर्णय लिया। यह रिपोर्ट 13 मार्च के पहले आना थी, किंतु 13 मार्च के पहले ही एसआईटी ने आज अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सबमिट की।